Good evening, friends. My name is Gaurav. Okay, so welcome to the core network training. So, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चार पांच दिन पहले कुछ सिस्को ने अनाउंस किया था. उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि जो सिस्को के जो जितने भी सर्टिफिकेशन है CCNA, CCNP, CCIE लेवल के प्रोग्राम, उसमें 24 February 2020 के बाद में कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होने वाले हैं, या तो फिर कोर्स कंटेंट्स एंड मॉड्यूल्स के बारे में भी चेंजेस होने वाले हैं. तो हम लोग एग्जैक्टली जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके प्रीवियस टाइम में जो हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी के करंट सिनेरियो में कौन कौन से कोर्सेस है. तो मैं ये कोर्सेस समझाने के बाद में आपको बताऊंगा कि जो 24 February 2020 में क्या क्या कोर्सेस इसमें से नहीं रहने वाले, अगर एड ऑन होती तो कौन सी चीजें एड ऑन होती, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग में सिस्को ने जो सर्टिफिकेशन निकाले थे उसके अंदर काफी सारे सर्टिफिकेशन थे. तो ये मेरे पास सर्टिफिकेशन ट्रैक है. तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन ट्रैक देखते हो तो आपको पता चलेगा सिस्को सर्टिफिकेशन में काफी सारे ट्रैक्स है. डेटा सेंटर, डिजाइन, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेशन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वीडियो, वॉइस, वायरलेस. ठीक है, इतने सारे ट्रैक्स हम लोगों को दिखते हैं. तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे राउटिंग स्विचिंग में एक्सपर्टाइज करना है, राउटिंग स्विचिंग में करियर बनाना है, तो राउटिंग स्विचिंग ट्रैक चूज करते हैं. किसी को लगता है मुझे सिक्योरिटी करना चाहिए तो वो सिक्योरिटी ट्रैक चूज करते हैं. किसी को लगता है मैं वॉइस एंड वीडियो करता हूँ. हालांकि अभी वॉइस एंड वीडियो तो नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कुछ एक दो साल पहले की बात है, उन्होंने वॉइस वीडियो को कंबाइन करके कोलैबोरेशन करके ट्रैक निकाला, जिसके अंदर भी CCNA कोलैबोरेशन, CCNP कोलैबोरेशन, CCIE कोलैबोरेशन रहता है. ठीक है, तो ये इमेज मेरे पास काफी पुरानी है, लेकिन स्टिल मैंने ये इमेज ढूंढ के निकाली ताकि आपको इसके बारे में एक अच्छा सा ओवरव्यू दे सकूं. नेक्स्ट थिंग, अभी जितने भी कोर्सेज थे हमारे, अगर आप देखते हो कि CCNA सिक्योरिटी करना है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CCNA सिक्योरिटी लिखा है. अगर इन प्रीवियस टाइम में अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो या तो किसी ट्रेनर को बोलते हो या तो आप गूगल भी सर्च करते हो कि अगर आपको CCNA सिक्योरिटी करना है तो आपके पास CCNA का प्री रिक्विजिट नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है और सर्टिफिकेशन भी होना इम्पोर्टेंट है, तभी आप CCNA सिक्योरिटी कर सकते हो. ओके, तो सेम एज यही ट्रैक सभी जगह फॉलो होता था, राउटिंग स्विचिंग इज अ बेस्ट. तो सभी लोग CCNA CCNP को स्टार्टिंग में प्रेफरेंस देते थे, उसके बाद ही अनदर ट्रैक में जंप कर सकते थे. ठीक है, तो ये तो था मेरे पास प्रीवियस ट्रैक. अभी उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि 24 February 2020 के बाद में कुछ कोर्सेस में चेंजेस होने वाले हैं. वो चेंजेस क्या है वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, व्हाट इज अपडेट. ओके, सो अपडेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. फिर उसके बाद में मेरे पास एक नीचे का इमेज है जिसके अंदर नेक्स्ट लेवल सिस्को सर्टिफिकेशन है February 24, 2020. इसके अंदर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन रहेंगे उस टाइम और हम लोगों को कौन से सर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर मुझे फ्यूचर में करियर बनाना. ऐसा नहीं है जिन्होंने CCNA की सर्टिफिकेशन किए वो आगे में वैलिड नहीं हो गए. ठीक है, और उसके बाद उसके साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे पास पुराने वाले जो सर्टिफिकेशन थे, जैसे कि मैं पुराने में जो सर्टिफिकेशन करता था CCNA और CCNP वगैरह, अप्रोक्सीमेट 3 years तक वैलिड रहते थे. उसके बाद CCIE का सर्टिफिकेशन आता था जो कि एक एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन बोलते, वो 2 साल तक वैलिड रहता था. उसका वैलिडिटी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले. ओके, आज के सेशन में मैं तो यही बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स रहने वाले. अभी तक मैं कोर्स मॉड्यूल के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, इन फ्यूचर हम लोग कोर्स मॉड्यूल के बारे में भी डिस्कस करने वाले. उसके लिए भी मैं मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ. ओके, सो हालांकि आई थिंक सो कि ये सबको पता है कि कोर्स सिस्को सर्टिफिकेशन ट्रैक्स कौन कौन से थे, और अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे एक बार पॉज करके ये ट्रैक्स देख सकते हो. ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक व्हाट इज ट्रैक, ट्रैक एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, तो ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई. अभी मैं बताऊंगा अपडेट. अभी अपडेट होना मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में अगर मैंने बहुत सारे कोर्सेस ऐसे देखे सिस्को के जिन्होंने अपग्रेड किया. ठीक है, तो जैसे कि राउटिंग स्विचिंग की अगर मैं बात करता हूँ, राउटिंग स्विचिंग में CCIE का जो 5.0 वर्जन था तो उन्होंने वर्जन थोड़ा सा कोर्स को अपडेट कर दिया तो वर्जन 5.1 हो गया. ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी में भी वर्जन लाए थे. करेक्ट, उसके बाद लाइक अगर मुझे याद है तो जो भी लोग सिस्को लाइन में है या तो फिर सिस्को से रिलेट रखते हैं या तो फिर वो कोर्सेज करते हैं, उनके पास सिस्को के सर्टिफिकेशन, उनको ये भी पता होगा
वॉइस और वीडियो मर्ज होकर वो CCNA CCNP CCIE कोलैबोरेशन बन गए, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं CCNA पढ़ा था तो स्टार्टिंग में 64802 मॉडल था, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ नए कंटेंट्स ऐड हो गए, ठीक है, नए कोर्स मॉडल चेंज हो गया, तो मार्केट में आ गया 200 120। उसके बाद और एनहांस हो गया 200 125x, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट आता था, लेकिन ये अपडेट और जो अभी सिस्को ने 4-5 दिन पहले जो अपडेट दिया है, इसके अंदर काफी जमीन आसमान का फर्क समझ सकते हो। बिकॉज सिस्को ने इस बार बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे चेंजेस किए। सिस्को ने एक बेसिक सर्टिफिकेशन या प्रोफेशनल या तो एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशन में चेंजेस तो किए ही है, साइड बाय साइड इन्होंने बहुत सारे ट्रैक्स रिमूव किए, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली क्या क्या ट्रैक्स हैं हमारे पास और कौन कौन से ट्रैक्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट लेवल सिस्को सर्टिफिकेशन, जो कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है 24 2020। अगर आपके पास 23 फरवरी 2020 तक, मतलब 24 के पहला वाला दिन 23 फरवरी तक आप ये सभी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ये सर्टिफिकेशन का एग्जाम आपका जो सेंटर होता है पीएसएसयू सेंटर, जो कि एक लाइक ऑथराइज सेंटर होता है, आप वहां से ये सभी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर 24 फरवरी और 24 फरवरी से स्टार्ट होता है, तो आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन है जो वहां पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो कौन से सर्टिफिकेशन है जो हम लोग आफ्टर 24 फरवरी नहीं दे सकते, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते, सबसे पहले एक कुछ यहाँ पे CCNA का तो हमें कंटेंट मिल ही रहा है साइड बाय साइड। यहाँ पे देख सकते एंट्री लेवल पे CCT डेवनेट एसोसिएट डेवनेट प्रोफेशनल CCDE एंड AR। आई होप CCDE के साथ काफी सारे लोग फैमिलियर है, CCAR के साथ भी काफी लोग फैमिलियर है, ठीक है। CCT और डेवनेट एसोसिएट के लिए मैं एक अनदर लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं एसोसिएट लेवल की बात करता हूँ तो यहाँ पे ओनली CCNA इज नॉट रिलेटेड टू द राउटिंग स्विचिंग सिक्योरिटी, ये किसी को भी रिलेट नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज नाउ इज ओनली CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी इंस्टीट्यूट में कोर्स करते थे तो हम लोगों को पूछा जाता है कि अच्छा आप CCNA करना चाहते हो तो बताओ CCNA में कौन सा ट्रैक करना चाहते हो, तो अभी कुछ ऐसा रहा नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते CCNA राउटिंग स्विचिंग CCNA सिक्योरिटी CCNA सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे ट्रैक है, सभी ट्रैक में CCNA। लेकिन आफ्टर 24 फरवरी 2020 उसके बाद में ओनली CCNA ही नाम का सर्टिफिकेशन रहेगा, इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं रहेगा। CCNA इज सेम फॉर ऑल ट्रैक्स, ओके। सेकंड थिंग, CCNA ना राउटिंग स्विचिंग है ना सिक्योरिटी, कोई भी ट्रैक नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस दिख रहा है, मेजर चेंजेस ये दिख रहा है हमारे पास ओनली CCNA इज नॉट राउटिंग स्विचिंग, ठीक है। ये नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, मतलब हमारे पास ओनली CCNA है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप उसको किसी ट्रैक के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो, ये एक मेजर चेंजेस है। तो आप कह सकते हो कि जितने भी ट्रैक है CCNA के सब रिमूव हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल प्रोग्राम एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम, ठीक है। जब मैं प्रोफेशनल लेवल के प्रोग्राम की बात करता हूँ तो इसके अंदर आता है CCNP, जो CCNA हम लोग सीखते थे उसके बाद में आता था CCNP, करेक्ट, सिस्को सर्टिफाइड ऑफ नेटवर्क प्रोफेशनल। अभी यहाँ पे मुझे और एक चीज देखने को मिलेंगी, जो हम लोग कोर्स पढ़ते हैं, जो मोस्टली मैं जिस कोर्स के ऊपर फोकस करता हूँ वो था राउटिंग स्विचिंग एंड सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी इज नेक्स्ट पार्ट, बट राउटिंग स्विचिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज है उसके अंदर है मेरे पास CCNP एंटरप्राइज, CCNP कोलैबोरेशन, CCNP डेटा सेंटर, CCNP सिक्योरिटी एंड CCNP सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है CCNP एंटरप्राइज, ठीक है। अभी यहाँ पे जो CCNP प्रोफेशनल हम लोग करते जिसके अंदर 3 पेपर हुआ करते थे, राउट स्विच एंड ट्रबल शूट, अभी वो चेंज होके यहाँ पे हो गया CCNP एंटरप्राइज। जहाँ तक मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी किया है और बहुत ज्यादा इसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन लेना है, उसी के बाद मैं कोर्स को कस्टमाइज वगैरह कर सकता हूँ और आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली CCNP एंटरप्राइज में क्या है। CCNP एंटरप्राइज में आपको एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, लाइक लैंड टेक्नोलॉजी, वैन टेक्नोलॉजी, एज वेल एज आपको एक वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको CCNP एंटरप्राइज में कवर होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो आपके पास कोई भी वायरलेस का ट्रैक नहीं है,
बिकॉज ये सब का सब सीसीएनपी एंटरप्राइज में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद में जैसे कि मैंने देख सकता हूँ मैं सीसीएनपी के पास सीसीआई राउटिंग एंड स्विचिंग करता था, तो अभी सीसीआई राउटिंग स्विचिंग तो रहा नहीं, तो आप लोगों को करना पड़ेगा सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सीसीआई एंटरप्राइज वायरलेस। ओके, तो यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली आ जाएगा, जिसके अंदर राउटिंग स्विचिंग भी पार्ट हो सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाला हूँ, उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक था सीसीएनपी एंटरप्राइज लेवल तक, उसके बाद सीसीआई, ठीक है। उसके बाद आता था कोलैबोरेशन ट्रैक, सीसीएनपी डेटा सेंटर ट्रैक, सीसीएनपी सिक्योरिटी ट्रैक, सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सब लोग यही सोचते थे कि CCNA is a Cisco certified of network associate, जो कि एक बेस लेवल का प्रोग्राम होता है, associate लेवल का प्रोग्राम होता है। Without associate level program, हम लोग डायरेक्टली CCNP collaboration कैसे कर सकते हैं, तो CCNP data center कैसे करेंगे, तो CCNP security कैसे करेंगे, तो फिर CCNP service provider कैसे करेंगे। See, अभी क्या किया उन्होंने, जो CCNA का कोर्स है वो CC, अभी अगर मुझे CC collaboration करना है तो स्टार्टिंग में आएगा CCNA collaboration, तो अभी उन्होंने वो कोर्स सीसीएनपी में डाल दिया है, मतलब कंसोलिडेटेड हो गया। सीसीएनपी के अंदर भी आपको सीसीएनए का कंप्लीट थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। सेम एज अगर आप डेटा सेंटर के लिए जाते हो तो आपके पास सीसीएनए डेटा सेंटर प्लस सीसीएनपी डेटा सेंटर, ये दोनों का नॉलेज यहाँ पे रहेगा। एक्चुअली कंसोलिडेटेड कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके बारे में मैंने ऊपर में कुछ पॉइंट्स लिखे, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से चेंजेस हुए, अगर आप देख सकते हो, एसोसिएट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एंड एक्सपर्ट लेवल पे, ठीक है। हालांकि इसके पहले में अगर मैं देखता था तो मेरे पास बहुत सारे ट्रैक्स थे, आप यहाँ पे गिन सकते हो। प्रोफेशनल एक्सपर्ट लेवल पे हम लोग गिनते, जैसे डेटा सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 8 9 ट्रैक्स थे, बिकॉज उसके बाद में ये वॉइस प्लस वीडियो मिला के सीसीआई कोलैबोरेशन बन गया। सो टोटल 8 ट्रैक्स थे, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 6 ट्रैक है, डेवनेट प्रोफेशनल, सीसीएनपी एंटरप्राइज या तो सीसीडी पकड़ सकते हैं, उसके बाद सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसी एंटरप्राइज वायरलेस, कोलैबोरेशन डेटा सेंटर सिक्योरिटी एंड द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ट्रैक्स कम हो गए, ठीक है। तो आप ये दोनों इमेजेस को कंपेयर भी करके देख सकते हो कि कौन कौन से ट्रैक्स नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग, मैंने जो ऊपर में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए उसके बारे में देखते हैं। एज यू कैन सी ऑल सर्टिफिकेशन ट्रैक आर अफेक्टेड, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है अभी कोई भी CCNA का कोई भी ट्रैक नहीं, ना तो राउटिंग स्विचिंग, ना तो सिक्योरिटी, ना तो वॉइस कोलैबोरेशन, नथिंग। CCNA इज ओनली CCNA नाउ, ओके। हम लोग कभी किसी को बोल नहीं सकते कि सर मैंने CCNA राउटिंग स्विचिंग में किया या तो कोलैबोरेशन में किया, नथिंग। CCNA इज CCNA, वर्ल्ड वाइड सेम ही रहेगा। अगर कोई बोलता है मैंने CCNA किया है तो दैट्स द CCNA ओनली। नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेशन लेवल आर सेम, इसके अंदर सर्टिफिकेशन लेवल का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सिस्को हमेशा से अपना एक हायरार्की मेंटेन करता है, जिसके अंदर वो एक स्टार्टिंग सेम एज हमारे कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ की तरह ही होता है। जैसे कि मैंने 8 स्टैंडर्ड कंप्लीट किया मुझे 9 स्टैंडर्ड करना है, 9 स्टैंडर्ड कंप्लीट किया मुझे 10 स्टैंडर्ड करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं 8 स्टैंडर्ड के बाद बोल दो अपने डैड को, डैड डैड मुझे 9th नहीं करना, मुझे 10th में जाना है, कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमेशा हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम का यही हायरार्की है, सेम है सिस्को में भी ये ट्रैक है, यही हायरार्की यूज होता है। अगर आप एसोसिएट लेवल करते हो उसके बाद आपको प्रोफेशनल करना है, उसके बाद एक्सपर्ट करना है, इसी वे से जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। काफी सारे लोग एसोसिएट के बाद डायरेक्ट एक्सपर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उनके पास प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज नहीं होने के कारण वो एक्सपर्ट में फेल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने कोर्स के ऊपर कोर्स प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। तो हमेशा से एक बात याद रखना कि जो ये CCNA, CCNP, CCIE लेवल है, तो इसी लेवल से जाना चाहिए हमें। नेक्स्ट थिंग, as you can see, different tracks are removed from CCNA certification, जैसे कि मैंने बताया CCNA is now only CCNA, कोई ट्रैक से रिलेटेड नहीं है। ट्रैक्स आर कंसोलिडेटेड एज CCNP एंड द CCIE लेवल, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वाले इमेज में बताया था CCNP कोलैबोरेशन, इसके अंदर आपका CCNA कोलैबोरेशन का भी टॉपिक्स आ जाएंगे, पूरा कोर्स कंटेंट आ जाएगा, तो ये कंसोलिडेटेड हो गया CCNP कोलैबोरेशन, ठीक है। तो अभी आपको जैसे आपने CCNA कर लिया, आप डायरेक्टली कोलैबोरेशन कर लो, अभी सिक्योरिटी कर लो, सर्विस प्रोवाइडर कर लो, यू हैव मेनी ऑप्शन, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, CCENT सर्टिफिकेशन, ठीक है। CCENT सर्टिफिकेशन, ये एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन करके एक सर्टिफिकेशन होता था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी मार्केट में आप देखते हो कि काफी सारे लोग डायरेक्टली CCNA का कोर्स ज्वाइन कर लेते, बिकॉज जहां तक मैंने CCNP का कोर्स किया था, मैंने उसके अंदर जो बुक कोड पढ़ा था, एग्जाम कोड था मेरे पास 100, 105, ठीक है।
तो वो सब कंटेंट्स में सीसीएनए में आराम से अभी भी पढ़ाता हूँ, और जो जिस ट्रेनर से मैंने ट्रेनिंग लिया था इसके पहले में वो भी मुझे पढ़ाते थे, तो ये सब चीजें हम लोग सीसीएनए में कवर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिला है सीसीएनपी इज गोइंग टू रिटायर, तो इन फ्यूचर आप सीसीएनपी कोर्स देख भी नहीं सकते, आई थिंक सो है ही नहीं सीसीएनपी कोर्स अभी। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है, बट डेफिनेटली ये भी रिटायर्ड होने वाला है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट थिंग, ऑल सर्टिफिकेशन, जितने भी हमारे पास सर्टिफिकेशन है इसका एक्सपायरी टाइम है 3 इयर्स। ठीक है, जैसे कि इसके पहले मैं सीसीएनए और सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग या एनी अनदर ट्रैक करता था, उसके लिए मेरे पास वैलिडिटी रहता था 3 साल का, बट सीसीआई लेवल की बात करता था मैं, अगर मैं सीसीआई सर्टिफाइड हूँ तो मेरे पास वैलिडिटी रहता था 2 साल का। ठीक है, तो 2 साल के बाद मुझे कोई अनदर सर्टिफिकेशन करना पड़ता था ताकि मैं सीसीआई का सर्टिफिकेशन वैलिड रख सकूं, तो इस तरीके से था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सीसीएनए करते हो तभी भी 3 साल का वैलिडेशन रहेगा, सीसीएनपी एंटरप्राइज करोगे 3 साल का वैलिडेशन, और सीसीआई का कोई भी सर्टिफिकेशन करते हो तभी भी वो 3 साल का वैलिडेशन ही रहेगा। ठीक है, तो दैट्स लिटिल बिट गुड न्यूज। ओके, सेकंड थिंग, शायद काफी सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन अभी रिव्यू हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्को हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें निकालता है, नए इनोवेशन निकालता है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि जब सिस्को कुछ नया प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी डालने की कोशिश कर रहा है, नए कोर्स कंटेंट एंड प्रोग्राम बना रहा है, सो हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज है, हम भी अपने आप को अपडेट करेंगे कोर्स के साथ साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज यू जस्ट आस्क मी, आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके बारे में आंसर करूंगा। और रही बात कोर्स कंटेंट के बारे में, मैं इन फ्यूचर और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर और डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज के सेशन में मैंने इतना ही बताया कि प्रीवियस में सिस्को सर्टिफिकेशन में कौन कौन से ट्रैक्स थे, और अभी के सिस्को सर्टिफिकेशन, अभी के मतलब अप टू 24 फरवरी 2020 के बाद कौन कौन से ट्रैक्स रहने वाले। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर दो। So thank you so much for watching this session. Thank you. Bye-bye. Take care.